आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी। एक दफ़ा एक कौवे ने पनीर का टुकड़ा चुरा लिया। वो उड़ा एक ऊंचे दरख्त की टहनी पर बैठ गया। वो इसे खाने ही लगा था कि एक भूखे लूमड़ ने उसे देख लिया। लूमड़ ने पनीर का टुकड़ा हथियाने के लिए इरादा किया। इसने कव्वे की खुशामद करना शुरू कर दी। इसने कहा, प्यारे कव्वे, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं और तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है। तुम्हारी आवाज भी बहुत सुरीली होगी, मेहरबानी करके मेरी खातिर एक गाना तो गा दो। कव्वा गुरूर में आ गया। काएं काएं गाने के लिए खोला मुंह, जैसे पनीर का टुकड़ा गिरा और लूमड़ ने चट से उसे हड़प कर लिया और ये कहते हुए चला गया कि मिस्टर कव्वे, आपका शुक्रिया। तो खुशामद शाज़ो नाज़र ही नाकाम होती है। प्यारे दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अपनी झूठी तारीफ को कभी मत सुने। दूसरों की खुशामद में मत आए। खुशामद बुरी बला होती है, आपका नुकसान हो जाता है इससे। वाह, बहुत अच्छी कहानी सुनाई, ज़बरदस्त मज़ा आ गया।